Assalamualaikum and welcome back to my another vlog Ramzan series episode 2. So today I'll be going out of my home after 2 months. जब से ये lockdown चल रहा है मैं बाहर नहीं गई और मैं आज जाऊंगी बाहर. कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ ग्रॉसरी है जो करनी है जिसमें मेरा जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो आई शो यू गाइस कि बाहर किस तरह से चल रहा है सारा कुछ, यूके में किस तरह से लॉकडाउन को फॉलो किया जा रहा है, क्या चीज़ें बंद हैं क्या खुली हैं. इसके अलावा जो चीज़ें खुली हैं उसमें किस तरह से सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जा रहा है. सो जस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल कीप यू पोस्टेड. But before we start this video, don't forget to subscribe my channel and like this video. Like when you go out after 2 months. Let's see, मुझे रास्ते याद भी हैं कि नहीं है. मैं 2 महीने के बाद बाहर आई. पहले तो मुझे वैसे यूके के रास्ते याद नहीं थे, बट अब 2 महीने के बाद निकलना इज लाइक थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है. लाइक अबाउट यू के इज़ यहाँ के ये जो सिग्नल्स बने हुए हैं स्पेशली पेडेस्ट्रियंस के लिए, इसमें ये है कि आप यहाँ से प्रेस करते हो और आपको बताते हैं कि आपने वेट करना है और उसके बाद जब चलना होता है तो ये इस सिग्नल को ग्रीन कर देता है. जस्ट लाइक जिस तरह गाड़ियों के लिए सिग्नल्स होते हैं, इसी तरह से पेडेस्ट्रियंस के लिए भी स्पेशल से अलग इन्होंने सिग्नल्स बनाए हुए हैं. ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत पसंद है और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे सारे इसको फॉलो भी करते हैं. जस्ट इग्नोर माई फेस, आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू ऑल नो कि यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है क्या नहीं. और मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए थी, इसकी वजह से मैं वैसे ही निकल के आ गई हूँ विदाउट एनी मेकअप विदाउट एनी थिंग. 2 महीने के बाद मैं अपने घर से निकली हूँ एंड इट फील्स लाइक बहुत डिफरेंट सा फील हो रहा है कि बिल्कुल क्लीन रोड्स हैं, कोई किसी का आना जाना नहीं है, रोड्स पे कोई रश नहीं है बिल्कुल भी, बहुत कम लोग हैं. लाइक जिसको ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए वो ही निकल रहा है, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा बंदा बाहर नहीं निकल रहा एंड दैट इज़ समथिंग वेरी गुड. है ऑलमोस्ट, सिर्फ और सिर्फ जो ग्रॉसरी करने वाली शॉप्स हैं वो खुली हुई है. ये बेसिकली जो मार्केट है ये यहाँ पे ब्रांड्स हैं डिफरेंट ना, तो ये सारे ब्रांड्स बंद हैं इस टाइम पे. अभी मैंने जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो ले ली हैं पाउंडलैंड से, और इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो रहती हैं उसके लिए आई एम हेडिंग टूवर्ड्स अनदर स्टोर. सेंसबरी यहाँ पे है, वहाँ पे मैं जा रही हूँ और बिल्कुल रोड्स खाली हैं. और मज़े की बात यह है कि आज थोड़ी सी गर्मी भी है यहाँ पर, जिसकी वजह से सिर्फ मैंने एक स्वेटशर्ट पहनी हुई है, वरना तो यहाँ पर जैकेट्स के बगैर बाहर नहीं निकल सकते. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ी धूप है, सनी डे है, तो जिसकी वजह से हम लोग ऐसे निकल आए हैं बाहर. इंटरचेंज है जहाँ पे सारी बसेस वगैरह आती हैं, मेन स्टॉप है. यू कैन सी ये सारी खाली है यहाँ पे, बल्कि इंटरचेंज ही पूरा खाली है, बिल्कुल भी रश नहीं है यहाँ पे.
दिस इज़ वेरी गुड कि इन्होंने डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि एक बंदे ने कहाँ खड़े होना है और दूसरे बंदे का उससे कितना डिस्टेंस होना चाहिए। क्योंकि अब 5 o'clock होने वाले थे और सारी चीज़ें बंद हो रही थी, तो वी डिसाइडेड कि अब घर चलते हैं और जो चीज़ें नहीं मिली वो कल दूसरे स्टोर से जाके लेंगे। कुछ एशियन चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल स्टोर से नहीं मिलती, उसके लिए स्पेसिफिक एशियन स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे वी विल गो टुमारो इंशाल्लाह, फिर वहाँ से जाके लेंगे। जस्ट पुटिंग ऑल द थिंग्स हेयर जो के हम लोग पढ़ने से लेकर आए ताकि रिविजन कट हो जाए यहाँ पे। मीनवाइल मैं बस अब वॉशरूम में जाकर वॉश माई हैंड एंड माई फेस, कपड़े चेंज करने हैं। So a few steps that I have followed right after coming back from the market, मैंने आते साथ जो shopping की हुई थी, जो चीज़ें ली हुई थी उनको एक side पर रख दिया disinfect होने के लिए। इसके बाद I have washed my hands, my face for 20 seconds अच्छी तरह से deeply हाथों को और अपने face को wash किया है। इसके बाद मैंने अपने कपड़ों को change किया है ताकि अगर कुछ भी कपड़ों पर खुदा ना खास्ता हो तो वो सारा कुछ मतलब दूर हो जाए मुझसे। इसके अलावा मैंने अपने मोबाइल को disinfect किया है। These are a few steps that everyone should follow जब भी बाहर से आते हैं। ये नहीं सोचना कि मैंने तो किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाया या मैंने तो ग्लव्स पहने हुए थे, मैंने तो मास्क पहना हुआ था वो मैंने उतार दिया, नहीं। आपने अपने कपड़ों को लाजमी चेंज करना है। इसके अलावा अपने मोबाइल अगर आप साथ लेके जा रहे हैं तो आपने उसको डिसइनफेक्ट करना है, वॉलेट लेके जा रहे हैं उसको डिसइनफेक्ट करना है, क्योंकि एज अ सिटीज़न और एज अ पर्सन ये हमारा सबका फ़र्ज है कि हम इन चीज़ों को ज़रूर ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। कि मैं कल भी बाहर गई हुई थी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेने बट कुछ नहीं मिली थी। सो आई एम गोइंग टुडे विद माय ब्रदर दूसरी जगहों पे जहाँ से चीज़ें वो मिल सकें। अभी इस टाइम 12 बज रहे हैं, सैटरडे को ये प्रॉब्लम होती है कि 2 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है, इसलिए आज हम लोग 12 बजे निकल रहे हैं ताकि सारी स्टोर्स वगैरह शॉप बंद होने से पहले हम लोग सारी चीज़ें ले आएँ। बाहर कुछ चीज़ें खुली हैं और मैक्सिमम चीज़ें बंद हैं। बाहर अगर इम्पॉर्टेंट है तो जाएं और बहुत ज़्यादा सैनिटाइजेशन का, बहुत ज़्यादा मास्क का, ग्लव्स का, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अगर नेसेसरी नहीं है तो कोशिश करें कि बाहर मत जाएं, और जाएं तो एक एक बंदा जाए, इस तरह बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे एक गैदरिंग सी बना के पूरी फैमिली को ना लेके जाएं। ये थोड़ी देर का ही इंशाल्लाह टाइम है, उसके बाद सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। सो जस्ट अवॉइड गोइंग आउट इफ़ इट्स नॉट नेसेसरी। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और एज अ सिटीज़न अपने लोगों का ख्याल रखें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन जस्ट लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक अ लॉट केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।